अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत किसी भी शख्स पर अब कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल पहले ही इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इसके तहत लोगों पर केस दर्ज किए जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को श्रेया सिंगल बनाम भारत सरकार के फैसले को लागू करने के दिशा निर्देश तय किए। इनके तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया गया था। आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना दंडनीय अपराध था। इस नियम के तहत किसी व्यक्ति का ऐसी जानकारी भेजना भी दंडनीय अपराध था जिसे वह गलत मानता है, यहाँ तक कि अगर मैसेज से किसी को गुस्सा आए, असुविधा हो, वो भी अपराध था। गुमराह करने वाले ईमेल भेजना भी इस धारा के तहत दंडनीय अपराध माने गए थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 2 न्यायाधीशों की बेंच ने साल 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में फैसला सुनाते हुए आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था। इसके तहत प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी संस्था ने इस मामले में याचिका दायर की थी। संस्था ने कोर्ट में दलील दी कि साल 2015 में इस एक्ट के रद्द होने के बावजूद देश भर में इस फैसले को नज़रअंदाज करते हुए कई मामले आईटी एक्ट के 66A धारा के तहत दर्ज किए। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को कोर्ट के आदेश को लागू न करने का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और राज्यपालों के जरिए इसे लागू करना सुनिश्चित कर सकती थी। इस दलील के जवाब में केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए राज्यों में एक स्थानीय नियामक का गठन होना चाहिए। चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा, ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कुछ राज्यों में इस धारा में केस दर्ज हो रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों के मुख्य सचिव से संपर्क करे और इस मामले में जानकारी लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कराए। कोर्ट ने कहा, यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66A संविधान का उल्लंघन है। उन मामलों में जहां नागरिक इस धारा के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन पर यह धारा हटा दी जाए। पुलिस बल, राज्यों के गृह सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के अनुपालन अधिकारी धारा 66A के तहत मामला दर्ज नहीं करेंगे। जिन लोगों पर धाराएं लगी हैं और 66A उनमें से एक है, तो इस धारा को रद्द माना जाए। जब भी कोई एक्शन, चाहे वह सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी हो, इस धारा के संबंध में कोई जानकारी प्रकाशित करता है, तो पाठकों को सूचित किया जाना चाहिए कि धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।